हे किड्स, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल लेसन। अब हम बात करेंगे डायरेक्टली अबाउट प्रोटीन्स। हमने अमाइनो एसिड्स देख लिया, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एंड पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से हमारा पूरा प्रोटीन बन सकता है, वो देख लिया। अब डायरेक्टली बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। सो लेट्स फर्स्ट गेट इंट्रोड्यूस्ड टू दीज प्रोटीन्स, ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। नाउ ये वर्ड प्रोटीन, राइट, ये वर्ड पूरा प्रोटीन खुद ही आया है फ्रॉम द वर्ड प्रोटियोस। प्रोटियोस मीन्स फर्स्ट रैंक एंड दैट्स द रीजन व्हाई इन्हें हम प्रोटीन्स कहते हैं। सो व्हेन आई से इट कम्स फ्रॉम द वर्ड प्रोटियोस, जिसका मीनिंग होता है फर्स्ट रैंक, तो इन्हें क्यों फर्स्ट रैंक दे रहे हैं हम बॉडी में? बिकॉज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जो हमें दिख रहा है, एवरीथिंग दैट यू सी इन योर बॉडी, एवरीथिंग इज प्रोटीन्स। सो दैट्स द रीजन व्हाई हम कहते हैं कि प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। यस, द रीजन फॉर विच वी से प्रोटीन्स मेक अप आवर बॉडी इज बिकॉज दैट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ एवरीथिंग दैट यू सी इन यू, एंड दैट्स द रीजन व्हाई इनका नाम आता है प्रोटियोस से, विच मीन्स फर्स्ट रैंक। सो ये प्रोटीन्स बेसिकली होते क्या है? चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, आप कहोगे करेक्ट, चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स विच हैव डिफरेंट अमाइनो एसिड्स फॉर्मिंग डिफरेंट चेन्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन। दैट्स द रीजन व्हाई इन्हें हम कहते हैं टू बी हेटेरो पॉलीमर। एंड ये हेटेरो पॉलीमर, पॉलीमर बहुत सारे एक साथ आ रहे ऑफ डिफरेंट व्हाट यू से यूनिट्स टुगेदर, दिस विल मेक अप द कंप्लीट मैक्रो मॉलिक्यूल। दैट मीन्स प्रोटीन्स बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। वी पुट दिस इन द कैटेगरी ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स बिकॉज दे आर लॉन्ग हेटेरोपॉलीमर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट। सो नाउ व्हेन यू से लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन, मतलब चेन ऑफ अमाइनो एसिड है मेरे सामने, इसे मैं प्रोटीन के तौर पर एक्सेप्ट करूं, इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? जस्ट एक लॉन्ग लंबी दिख रही है चेन, यहां से यहां तक चेन है, अमाइनो एसिड्स है, सो हो गया मेरा प्रोटीन? नो, देर इज बेसिक व्हाट यू से कंडीशन, इट्स अ मैंडेटरी कंडीशन फॉर द चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स टू बी अ प्रोटीन, दैट इज ये अमाइनो एसिड्स मिनिमम 50 इन नंबर होने चाहिए। सो यू विल हैव द चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स टू कंटेन मिनिमम 50 अमाइनो एसिड्स टू क्वालिफाई एज अ प्रोटीन। सो अमाइनो एसिड का चेन तभी प्रोटीन कहलाएगा जब इनके पास होते मिनिमम 50 अमाइनो एसिड्स। तो वो पूरे चेन में अगर 50 अमाइनो एसिड्स है, ओनली देन इट कैन क्वालिफाई एज अ प्रोटीन। 50 या 50 से ज्यादा, 49 तक भी हुए तो भी हम उसे प्रोटीन नहीं कहेंगे। नो, वी कांट एक्सेप्ट इट एज अ प्रोटीन। मिनिमम 50 तो होने चाहिए। And this having such a high molecular weight, 50 से बहुत ज़्यादा होते हैं, right? Usually 50 is minimum, होते नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। So this is usually found to be colloidal in nature. तो सेल में या कहीं पे भी आप देखोगे, mainly ये colloidal form में present होते हैं, because ये बहुत ही ज़्यादा बड़े chains होते हैं, right? So now when I say long chains of amino acid, minimum 50 तो होने ही चाहिए, so इसमें कितने, मतलब ये पूरा पॉलीमर कितने ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड से बना होगा? वन पेप्टाइड बॉन्ड, टू पेप्टाइड, मतलब मेनी पेप्टाइड्स विच आर कमिंग टुगेदर, राइट। सो अगर मेरे पास एक पेप्टाइड है, ठीक है, वन विच इज अ पॉलीपेप्टाइड, हम यहाँ पे पेप्टाइड बोल रहे हैं, बट वन पॉलीपेप्टाइड दैट आई हैव, यू कैन हैव टू पॉलीपेप्टाइड्स जॉइंट टुगेदर, पॉलीपेप्टाइड्स मेनी पेप्टाइड यूनिट्स टुगेदर, सो बहुत बड़ी चेन है। सो वन पॉलीपेप्टाइड, टू पॉलीपेप्टाइड, फोर, टेन, hundreds, thousands, कितने भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। सो हाउ यू क्लासीफाई देम? फॉर एग्जाम्पल, यस, यहीं पर लिख देते, इफ सपोज आई हैव पॉलीमर है, करेक्ट, हेटेरो पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ, यस, वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। सो अगर मेरे पास है एक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, या फिर हमारे पास दो पॉलीपेप्टाइड्स है पूरे प्रोटीन में, या हमारे पास चार है जस्ट रैंडमली, यस, टू पॉलीपेप्टाइड्स, फोर पॉलीपेप्टाइड्स, या वी हैव टू मेनी पॉलीपेप्टाइड्स, वी हैव
many polypeptides. Yes, बहुत सारे polypeptides present होते हैं. ये अगर हमारा situation है तो हम इसे किस form में पा सकते हैं, मतलब हमारी body में ये examples कहाँ पे होंगे? एक ही polypeptide का chain है तो शायद थोड़ा छोटा होगा, दो है तो comparatively बड़े होंगे, दो join together, चार है तो शायद ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा efficient होगा. See, बड़ा does not only mean in length, length तो होगा ही क्योंकि बहुत सारे units हैं, लेकिन वो fold होके अपने structure में short में भी रह सकते हैं, not a problem. And many together, so usually हमारे enzymes होते हैं, yes, बहुत सारे units एक साथ आते हैं. So, अगर हम इसे गौर से देखें, तो examples जो हमें मिलते हैं, for this would include, one polypeptide is with the protein myosin, जो हमें मिलता है, yes, muscles में, correct. Myosin के बाद, दो का example would be, say, insulin, correct. Then, we can have four, जिसका best example, most commonly found, yes, hemoglobin. Then, lastly, this is with the enzyme, where हमारे पास 24 polypeptides एक साथ होते हैं, एक enzyme में, जिसका नाम है, Rubisco. The enzyme Rubisco has almost 24 chains of polypeptides coming together. Imagine so many of them forming this. ये है पूरा polymer concept of proteins के इतने सारे chains हमारे पास हो सकते हैं and ये examples हैं. Now you tell me कब से हम बोले जा रहे हैं कि amino acid chain हमारे पास तो इतने सारे amino acids हैं. कौन से amino acids form करेंगे हमारे protein? हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, देर आर 20 अमाइनो एसिड्स विच आर फॉर्मिंग इट. सो ये सारे 20 अमाइनो एसिड्स अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आते हैं, बहुत से अलग कॉम्बिनेशंस में एक साथ आके दे विल डिफाइन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोटीन, करेक्ट. सो मेरे पास है, लेट्स पुट इट अप हियर, 20 अमाइनो एसिड्स, लेकिन ये अमाइनो एसिड्स आएंगे हमेशा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में. सो व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? अगर ये सीक्वेंस बदल देते हैं तो पूरा प्रोटीन समझो बदल गया. फॉर एग्जांपल, ये है हमारा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, यहाँ पे चार या पांच ही है, यस चार ही है सोच के चलो. नाउ व्हाट इफ आई टेक इट लाइक दिस, यस प्रोटीन बदल गया क्योंकि सीक्वेंस ही बदल गया. यस व्हाट इफ आई टेक इट लाइक दिस, वापस बदल गया, करेक्ट. What if I take it like this? Now this is, यहाँ पे तीन है लेकिन हम सोच के चल रहे हैं कि ये 50 अमाइनो एसिड से ज़्यादा ही है. Yes, ये है, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, ये दूसरा हो गया. Yes, this can be third one. For example, this can be again the fourth one. Sequence हमने चेंज कर दिया है, ये हो सकता है और एक. ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? बहुत सारे, बहुत सारे. हम थक जाएंगे लेकिन कॉम्बिनेशंस ख़त्म नहीं होंगे, करेक्ट. सो जस्ट इमेजिन कि हमारा एक चेन है, सपोज यस एक चेन है जिसमें से 50 भी नहीं 100 अमाइनो एसिड्स सोच के चलते, मतलब मेरे पास है 1 2 3 4 ऐसे करते 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 99 एंड 100 इतने अमाइनो एसिड्स हैं ये सारे एक सीक्वेंस में. ये सिर्फ 20 अमाइनो एसिड से बने, सो कैन वी से द पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ पर्टिकुलर सीक्वेंस विल बी 20 raised to 100, बिकॉज 100 अमाइनो एसिड मतलब 100 के चेन है एंड 20 अमाइनो एसिड्स है, राइट. इमेजिन सिर्फ 100 के चेन में अगर ये पॉसिबिलिटी है 20 raised to 100, तो सोचो अगर 1000 अमाइनो एसिड की चेन हुई तो, क्योंकि प्रोटीन्स इतने ही बड़े होते हैं, 100 तो हमने लेम एग्जाम्पल ले लिया, येस दैट वुड इंक्रीज टू दिस. सो 20 raised to 1000, 20 raised to 10000 इतने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. सो अगर हम सोचे 20 ही अमाइनो एसिड है कितने प्रोटीन्स बनाएंगे, नहीं, 20 अमाइनो एसिड्स है जो बहुत सारे प्रोटीन्स बनाएंगे. इट इज़ नॉट दैट ओनली 20, नो, इट इज़ बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स विच इज़ मैटरिंग हियर, करेक्ट. दिस इज़ अबाउट द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन कि हमेशा हर प्रोटीन का एक सीक्वेंस फिक्स होता है. अगर गलती से भी, फॉर एग्जाम्पल दो प्रोटीन चेन्स है, दोनों के पास से 50 अमाइनो एसिड्स है, हमने अगर एक भी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस दूसरे के साथ रिवर्ट कर दिया बाजू बाजू का, यस, तो दोनों के पास भी 50 है, ऐसे नहीं होता, दोनों अलग अलग सीक्वेंस के, यू कैन नॉट हैव देम एज द सेम.
So proteins come up with a specific sequence of amino acids every time. Now जब हम proteins की बात करते हैं तो usually हम लेंगे दो special examples. एक example is that of collagen and दूसरा is that of Rubisco enzyme. क्यों? मैं यहाँ पे ही क्यों लिख रही हूँ? Because collagen होता है most abundant protein found in the animal world. Yes, सबसे ज़्यादा most abundantly found in all the animals. Correct? Whereas Rubisco is the most abundantly found everywhere in the biosphere. मतलब अगर आप सिर्फ एनिमल्स की बात करो तो कोलाजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है एंड फुल बायोस्फीयर प्लांट्स बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको अगर इंक्लूड करो तो मोस्ट एबंडेंटली फाउंड इज रुबिस्को एंजाइम. इसीलिए ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. दैट्स द रीजन व्हाई आई वांट यू टू रिमेंबर दिस. कोलाजन मोस्ट एबंडेंट इन एनिमल किंगडम, रुबिस्को मोस्ट एबंडेंट इन द कंप्लीट बायोस्फीयर. ये है पूरा कंसेप्ट अबाउट गेटिंग इंट्रोड्यूस टू प्रोटीन्स. अब बात करेंगे बिफोर मूविंग टू द स्ट्रक्चर्स अबाउट द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स. किसी भी केमिकल के सामने ये प्रोटीन्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं जानना जरूरी है बिकॉज दे आर मेकिंग अप आवर बॉडी. करेक्ट? सो नाउ लेट्स ट्राई टॉकिंग अबाउट अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन्स एंड देन टॉक अबाउट देयर स्ट्रक्चर्स इन डिटेल्स लेटर ऑन. लेट्स मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन्स डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे आर रिएक्टिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स अराउंड अस. सो नाउ प्रोटीन्स के बारे में इंट्रोडक्टरी नोट देखने के बाद कोशिश करते हैं जानने की कि ये सारे प्रोटीन्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं. कॉमन प्रॉपर्टीज होंगे कोई भी प्रोटीन होने दो. राइट? लेट्स ट्राई टॉकिंग अबाउट अ फ्यू प्रॉपर्टीज. वैसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं लेकिन हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, फोर मेजर टाइप्स और फोर डिफरेंट प्रॉपर्टीज विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अस. सो दीज वुड इंक्लूड वराइटी ऑफ प्रोटीन्स, स्पेसिफिसिटी ऑफ प्रोटीन्स, रिएक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन्स. लास्टली वील टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स. यस, लेट्स पुट इट अप ऑल टुगेदर. बात करते हैं वराइटी के बारे में, प्रोटीन्स कितनी वराइटीज में आते हैं. देन बात करेंगे, यहाँ पर लिख देते, सेकेंडली अबाउट स्पेसिफिसिटी. Then we'll talk about reactivity. यहीं पे लिख देते हैं. Reactivity of proteins. And lastly, we'll talk about the concept of denaturation. Right? बात करते हैं शुरुआत से, that is variety of proteins. Proteins कितनी variety में आते हैं? अभी देखा था introduction में. When you say variety, that means they are having lots of varieties because उनके specific amino acid sequence होते हैं. So हर protein का amino acid sequence होगा, specific sequence होगा, absolutely. So when you say there are several possibilities of having the sequences of amino acids, pretty obvious है कि proteins भी several varieties में ही आएंगी. Correct? You have several varieties. बहुत से अलग अलग होंगे क्योंकि उनके फंक्शंस भी अलग होंगे क्योंकि उनके अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस भी अलग है. राइट? सो प्रोटीन्स कम इन अ ह्यूज वैरायटी, बहुत ज्यादा वेरियस फॉर्म्स में होंगे. एंड सिर्फ फॉर्म्स ही नहीं, सी व्हेन आई एम सेइंग अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज होगा, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स उनका कंप्लीट केमिकल नेचर चेंज होगा. प्रोटीन बदल गया, केमिकल नेचर चेंज हुआ तो फंक्शन भी चेंज होगा. कभी कोई स्ट्रक्चर में काम आएगा, मतलब स्ट्रक्चर देने में काम आएगा, कभी कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम आएगा, कभी कोई फॉर एग्जांपल से रिजिडिटी या स्ट्रेंथ दे रहा है, कहीं और स्ट्रक्चर्स में यू मे फाइंड स्टोरेज बैग्स या फिर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स ऑल्सो. ये बहुत से वराइटीज़ है जिसमें प्रोटीन्स एग्जिस्ट करते हैं. दैट्स वाई दे आर रूलिंग आर लाइफ. करेक्ट? सो प्रोटीन्स विल कम इन सेवरल वराइटीज बिकॉज देर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग द सीक्वेंसेज ऑफ अमाइनो एसिड्स. नेक्स्ट इन द लिस्ट इज स्पेसिफिसिटी. नाउ व्हेन आई से स्पेसिफिसिटी, इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज को अगर आप ले लो, यस, उन स्पीशीज में, मतलब हर स्पीशीज में यू फाइंड अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स. कुछ कॉमन हो सकते हैं लेकिन यूजुअली यू विल फाइंड दैट वेरियस स्पीशीज आर हैविंग वेरियस प्रोटीन्स एंड
एवरी स्पीशीज इज हैविंग द कॉमन वन. हर स्पीशीज में, मतलब ह्यूमंस में, सारे ह्यूमंस में कॉमन प्रोटीन्स ही होंगे, लेकिन ह्यूमन के साथ अगर आप लायन या टाइगर को कंपेयर करो उनमें अलग होंगे. यस, सो उनके प्रोटीन्स लायंस में, सारे लायंस में सेम प्रोटीन्स होंगे, सारे ह्यूमंस में सेम प्रोटीन्स है. दैट्स हाउ वी रूल इट, राइट? सो यू विल हैव द स्पेसिफिक प्रोटीन्स फॉर स्पेसिफिक स्पीशीज. हर स्पीशीज के अपने स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, एंड एक स्पीशीज में, वही एक पर्टिकुलर स्पीशीज में सारे प्रोटीन्स हमेशा कॉमन होंगे. And does this gets us to the point of evolution? Yes. क्यों? क्योंकि जब मैं कह रही हूँ we are evolved from someone, तो उनके proteins भी हमारे जैसे थे, मतलब rather हमारे उनके जैसे है, इसीलिए तो हम evolve होते आ रहे हैं. तो इससे हम पीछे जाके relate कर सकते हैं कि common ancestors कौन है, क्योंकि we can find the common proteins. क्योंकि proteins हमेशा एक species के लिए particular होते हैं, specific होते हैं, right? So, let's put it up like this. We have specific proteins for various species. हर species में अलग अलग होंगे, and every one particular species, so every species is going to have common protein. Correct? Every species is going to have common proteins, and this gets us to the concept of evolution. क्योंकि इससे हम पता कर सकते हैं कि अगर हम में कुछ कॉमन प्रोटीन्स है किसी ऑर्गेनिज्म के साथ, तो क्या हमारे एंसेस्टर्स कॉमन थे, हम सोच सकते हैं, राइट? दिस इज हाउ वी गेट टू द पॉइंट. नेक्स्ट इन द लिस्ट फॉर अस इज रिएक्टिविटी. क्या प्रोटीन्स रिएक्ट करते हैं किसी भी केमिकल से? ऑफकोर्स करेंगे. NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप दोनों भी ग्रुप्स है विच आर ऑलवेज रेडी फॉर रिएक्शंस, नो? सो यू फाइंड रिएक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स, एंड सिर्फ ये दोनों ही नहीं, पूरा प्रोटीन ही रिएक्ट कर रहा है. सो ये प्रोटीन्स जो अलग अलग फॉर्म्स में है, जो अलग अलग वराइटीज में आ रहे हैं, यस, जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, दे विल डेफिनेटली, अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो फंक्शन कैसे, इनर्ट रहेंगे तो क्या काम क्या करेंगे, राइट? सो दे आर हैविंग स्पेसिफिक रिएक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, से एंजाइम्स, हमें पता है दे आर हैविंग स्पेसिफिक रिएक्टिविटी. वो एक काम करने आते हैं, वो एक ही काम करते हैं, एंड वही काम ठीक से करके जाते हैं. यस, दे विल नॉट बॉदर अबाउट एनी एल्स वर्क, एंड दे विल मेक श्योर कि उनका काम अच्छे से ही हो रहा है. वो ऐसे टाइम पास में काम करके नहीं जाएंगे, दे विल कंप्लीट देयर वर्क स्पेसिफिकली. अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड इंक्लूड्स से एंटीबॉडीज, राइट? एंटीबॉडीज जो हमें अभी डिटेल में नहीं है, बट फिर भी हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, वी नो दिस. एंटीबॉडीज विल बी दोज प्रोटीन्स जो हम यूज करते हैं एज अ डिफेंस मैकेनिज्म. सो जैसे कि हमारे, फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे हमें सपोज फीवर हो गया. यस, आई सफर फ्रॉम फीवर, आई विल टेक मेडिसिन फॉर फीवर ओनली, ना? मैं हेड एक, स्टमक एक या कोई और चीज़ की दवाई थोड़ी लूँगी, आई विल टेक इट फॉर फीवर ओनली. वैसे ही हमारे बॉडी में ना इम्यून सिस्टम का भी अपना एक स्ट्रैटेजी होता है. ये वाला ऑर्गेनिज्म आया, इसको ऐसे मारते, ये वाला ऑर्गेनिज्म आया, उसको ऐसे मारते, ऐसे करके डिजाइंड होते हैं स्ट्रैटेजीज. सो वो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी डिजाइन करता है जब वो स्पेसिफिक प्रोटीन बना रहा है इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी. सो एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं, अलग अलग, मतलब जैसे हमारी दवाई है वैसे, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग अलग मारेंगे. दैट इज रिएक्टिविटी अगेन. सेम केस में टॉक्सिन्स भी, बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स होते हैं, या हमारी बॉडी में अगर कुछ बन रहा है, दैट इज गोइंग टू बी स्पेसिफिक, राइट? सो दैट इज वेयर इट इज रिएक्टिंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ रिजल्ट. सो ये लिस्ट में हम डाल सकते हैं हमारे एंजाइम्स को, हम डाल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एंटीबॉडीज को, जैसे अभी देखा, या फिर हम इंक्लूड करेंगे सेवरल टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स. करेक्ट? दिस इज हाउ यू गेट इट. लास्टली बात करते हैं अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ डी नेचुरेशन. डी इज नॉट नेचर, मतलब जो उसका नेचर है. सो क्या उसका नेचर खराब हो रहा है? यस. बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोटीन्स, सपोज किसी एक प्रोटीन का ये पर्टिकुलर, सपोज से शेप है या स्ट्रक्चर है, राइट? इसको बाय चांस आपने ऐसे ऐसे फॉर्म में ला दिया, आपको लगा कि अभी ये स्ट्रेट है तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. ये काम करता है जब ये यही फॉर्म में होता है, उलझा ही सही, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होना होता है, ओनली देन इट परफॉर्म्स वर्क. दैट इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. सो अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसका कॉन्फिगरेशन डिस्टर्ब करोगे, वो काम ही नहीं कर पाएगा. दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड. सो ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनके कॉन्टैक्ट में आने से प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर बदलता है.
बिकॉज ये स्ट्रक्चर है, दैट इज द रीजन वाई इट इज वर्किंग, एंड ये स्ट्रक्चर है बिकॉज उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है. सो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स उसको स्ट्रक्चर दे रहे हैं, जो भी टाइप ऑफ बॉन्ड्स उसको स्ट्रक्चर दे रहे हैं या उसको इंटैक्ट रख रहे, अगर कोई और भी बॉन्ड्स होंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप डिस्टर्ब करते हो किसी पर्टिकुलर एक पैरामीटर की वजह से. सो दैट इज कॉल्ड एज डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स. एंड ये किस फैक्टर्स की वजह से होता है? सबसे पहले टेम्परेचर की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है प्रोटीन्स को, बिकॉज दे आर वेरी मच हीट लबाइल. सेम गोज विथ पीएच, जरा सा इधर उधर हो गया यस पूरी तरह से खराब हो जाएगा. सर्टन टाइप ऑफ केमिकल्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेडिएशंस ऑल्सो. सो ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रोटीन्स डिसरप हो सकते हैं, डीनेचर हो सकते हैं, डिपेंड्स राइट. दिस वॉज अबाउट द कम्प्लीट कंसेप्ट ऑफ प्रोटीन प्रॉपर्टीज. अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एडिशनल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, यहाँ ये पे लिख देते हैं, विच इज योर आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, यस, या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, या प्रोटीन्स, द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन्स दैट यू फाइंड एट दिस पॉइंट. सो यू कैन राइट इट एज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. अब ये क्या होता है? व्हेन आई से एक पर्टिकुलर प्रोटीन है, वो हम सोल्यूशन में भी तो डाल सकते हैं ना. प्रोटीन्स कैन बी डिजॉल्व इन सोल्यूशन. सो अगर मैं किसी भी एक एक्स प्रोटीन को लेती हूँ इन द एक्वियस फेज, यस, इसको मैंने ले लिया एक्वियस फेज में. एक्वियस फेज में लेने के बाद क्या होगा? बेसिकली वाटर में जब ये डिजॉल्व हो रहा है या सोल्यूशन में डिजॉल्व हो रहा है, मतलब इस सोल्यूशन में जो हमारा सॉल्वेंट है, फॉर एग्जाम्पल पानी, इसके आयंस ब्रेक होते हैं, एच प्लस ओ एच माइनस स्प्लिट हो जाएंगे राइट. ये एच प्लस ओ एच माइनस के साथ ना हमारे प्रोटीन्स के जो दोनों ग्रुप्स है सी ओ एच एंड एन एच टू, ये रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं. दे आर फ्रीली अवेलेबल नो दोनों साइड से, जहाँ पे बॉन्ड नहीं है लास्ट एंड में वहाँ पे यू विल ऑलवेज फाइंड द ग्रुप अटैच फ्रीली. सो ये जब रिएक्ट करेंगे तब एच प्लस एंड ओ एच माइनस के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द चार्ज ऑन द प्रोटीन मॉलिक्यूल विल इंक्रीज. अगर H प्लस हुआ तो पॉजिटिव, ज़्यादा H प्लस आ गए तो, मतलब ज़्यादा H प्लस से व्हाट यू से बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो OH माइनस ज़्यादा रहेंगे सॉल्यूशन में, सो दे विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चार्ज ऑफ द प्रोटीन विल गेट डिस्टर्ब और चार्ज ऑफ द प्रोटीन विल चेंज. नाउ दिस चार्ज, ये चेंज होने की वजह से प्रोटीन की प्रॉपर्टीज बदलते, ये अलग बात है ठीक है, बट when I am saying charge will get disturbed, this will be possible only when I have acidic or basic proteins. क्यों? क्योंकि इन्हीं के पास NH2 and COH ज़्यादा है ना. When you say acidic protein, COH ज़्यादा है, carboxylic acid ज़्यादा है. अगर basic protein की बात करें तो amino group ज़्यादा है. So ये दोनों groups अगर ज़्यादा हुए या acidic and basic protein हुए तो ही ये possible है. या फिर अगर हमें charge नहीं चाहिए then we consider neutral protein. न्यूट्रल प्रोटीन में दोनों अगर सेम है जो हमें पता है, सो बिकॉज ऑफ दिस टू बींग टूगेदर दे विल ट्राई बैलेंसिंग. दोनों भी रिएक्ट करेंगे लेकिन उतने ही अमाउंट में रिएक्ट करेंगे क्योंकि दोनों इक्वल नंबर्स में है. सो दैट गिव्स राइज टू अ पॉइंट जहाँ पे यू विल हैव बोथ कटायंस एंड अनायंस, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों भी इक्वली है राइट. सो यू विल हैव बोथ कटायंस एंड अनायंस टुगेदर. सो ये कटायंस एंड अनायंस एक साथ होने की वजह से चार्ज न्यूट्रलाइज होता है, एंड देन ये पॉइंट पे हम कहते हैं द पॉइंट इन दैट आइसो इलेक्ट्रिक पी एच विल गिव राइज टू समथिंग कॉल्ड एज एम्फोटेरिक पॉइंट. एम्फोटेरिक पे वो प्रोटीन बनेगा हमारा, एम्फोटेरिक प्रोटीन, एम्फोटेरिक प्रोटीन राइट. दिस इज माई कंप्लीट कंसेप्ट. एम्फी इज बोथ आर प्रेजेंट बोथ राइट. एम्फीबियन जैसे एनिमल होता है, लैंड एंड वाटर दोनों जगह, तो एम्फी मीन्स दोनों. सो यहाँ पे कटायंस एंड अनायंस दोनों को बैलेंस कर लिया है, दोनों भी इक्वल नंबर में है, हेंस इट इज एम्फोटेरिक प्रोटीन. सो द प्रोटीन इज नाउ हैविंग अ चार्ज विच इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ.
हेंस चार्ज तो है लेकिन दोनों न्यूट्रलाइज्ड है बिकॉज दोनों इक्वली बैलेंस्ड है, देन दैट इज योर एम्फोटेरिक प्रोटीन. दैट हैपन्स एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जहाँ पे आप उसको सोल्यूशन में डिजोल्व करो. कोई भी सोल्यूशन हो सकता है, हमने वाटर का जस्ट एग्जाम्पल लिया था, राइट. दिस इज अबाउट द कम्प्लीट कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन, कैसे वराइटीज में होते हैं, कैसे स्पेसिफिक होते हैं हर स्पीशीज के लिए, रिएक्ट कैसे करेंगे, डीनेचुरेशन का कंसेप्ट क्या है, एंड द कंसेप्ट ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इन डिटेल. अब बात करेंगे कि ये प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है. ये प्रोटीन्स जो हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से ही काम करते हैं, ये स्ट्रक्चर्स बनाएंगे कैसे. चार स्टेप्स है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर टर्शरी आएगा, एंड देन क्वार्टरनरी. ये चारों भी अपने अपने लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग फोल्डिंग्स ऑफ द एंड कॉन्फिगरेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोटीन. सो बात करते हैं अबाउट दीज स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स इन द अपकमिंग लेसन्स. थैंक यू सो मच.